हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वाघा बीच। तो फ्रेंड्स, आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, वाटर स्पोर्ट के लिए टूरिस्टों का उत्साह काफी अच्छा लग रहा है, काफी अंदर आ गए हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए। कमेंट करने में क्या जाता है, लाइक करने में क्या जाता है, जरूर किया करिए, कंजूसी नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वाघा बीच। ये कैलंगूट के जस्ट बगल में है, ये नॉर्थ गोवा में है। ये नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये टूरिस्टों के बीच में काफ़ी फेमस बीच है, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको ये बीच घुमाते हैं और इससे जुड़ी हुई आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ हम देंगे। Let's go. यहाँ से हमने एंट्री करी है और आगे देखिए काफी खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इतनी सारी एक्टिविटी नहीं हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हम अभी आए हैं, ये टूरिस्ट सीजन है, देखिए कितने सारे वाटर स्पोर्ट स्टार्ट हो चुके हैं, कितनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये चेयर सब लग चुकी हैं और सैक्स सारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे पानी में कितने सारे मतलब वाटर स्पोर्ट जो होते हैं सब स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं गोवा बीच पे, तो आप भी टिकट लेके अंदर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। ये जो बोट्स आप देख रहे हैं, ये फिशिंग के लिए है, ये स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं है। और काफी खूबसूरत है और काफी देखने में अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा यहाँ भी एक फोटो क्लिक करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे होंगे यहाँ कितनी सारी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये बीच जो है, ये वाघा बीच है, बहुत ही खूबसूरत है और नहाने के लिए भी ये बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है और पानी भी बहुत क्लीन है। मैं जो देख रही हूँ, यहाँ दूर तक का बच्चे घूम सकते हैं, खेल सकते हैं और पानी में काफी बच्चे लोग नहा रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। तो ये जो आप बीच देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में ही कलंगूट बीच है, उसके बाद कैंडोलिम बीच है, उसके बाद सीकरी बीच है। ये सारे बीच लाइन से ही हैं और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसके पीछे अंजुना बीच है और दो एक बीच और है, तो ये लाइन से ही काफी सारे बीच आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो बीच है, ये चारों आपको मैंने बीच बताया, चार पांच जो बीच है, ये बीचों के राजा हैं। जो अगर यहाँ पे आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, रिजॉर्ट मिलेंगे आपको। ये जो हम जहाँ पे आराम कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे छतरी नुमा चेयर, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो है, इस बीच को बीचों का राजा हम कह सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा और किसी बीच पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि इस बीच पे आने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, यहाँ पे कैसे आया जा सकता है। तो अगर आप लोग पंजी से आ रहे हैं तो बहुत आसान है, वहां से आप टैक्सी ले सकते हैं, रेंटल स्कूटर बाइक ले सकते हैं, यहाँ बहुत इजीली वो आपको पहुंचा देंगे, ज्यादा दूर नहीं है ये, ज्यादा 20-25 किलोमीटर के अंडर होगा और यहाँ पे आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। आप जहाँ तक हो सके मैं आपको बोलूँगी स्कूटर या बाइक ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सैटरडे संडे का दिन होता है उस दिन बहुत क्राउड होता है,
तो गाड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है, जाम में फंस जाती है, तो अगर हो सके तो स्कूटर और बाइक ही लेके यहाँ पे आए। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली ये बीच सब विजिट करना चाहते हैं, चारों पांचों जो लाइन से बीच है ये सारे विजिट करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट रहेगा कि इधर ही साइड में आप कहीं भी होटल बुक कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सीजन पे सब बुक हो चुके होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ही होटल बुक कर लें। यहाँ पे आप अगर आसपास ही आपको महंगे होटल भी मिल जाएंगे और आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, आपका जिस तरह का बजट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। अगर आप होटल की जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप स्पेशली हम लोग से ही पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाघा बीच की नाइट लाइफ काफी फेमस है। यहाँ पे टिटोस लेन है जो कि टूरिस्टों के बीच में काफी फेमस है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, ये वाघा बीच के जस्ट पास में ही है। इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग बोर्ड। सेलिंग बोर्ड। एक आदमी का क्या चार्ज है इसका? 600 पर हेड। 600 पर हेड। और कितनी देर के लिए पानी में आप ले जाते हैं उसको, लाते वापस? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट तक का हवा के हिसाब से, मतलब आधा घंटा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा फास्ट हवा है तो 20 से 25 मिनट। अच्छा, हवा के ऊपर डिपेंड है ये। सो फ्रेंड्स, अब हम तैयार हैं सीलिंग बोर्ड के लिए, तो आप भी चलिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। ओके, हाय। तो अब हम आ गए हैं सी के अंदर, हम बैठे हुए हैं सीलिंग बोट पे। इसमें कोई इंजन नहीं है, ये सिर्फ हवा, जिधर की हवा होती है उसी साइड में ये चलता है। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी अंदर आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है थोड़ा सा। हम बीच से काफी अंदर आ चुके हैं, बीच बहुत दूर हो गया है, कम से कम यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हम आ गए हैं। यार पानी बहुत तेजी लहर मार रहा है। ओह माय गॉड, आप सामने देख रहे हैं पैरासूट में एक आदमी झूल रहा है खूब अच्छे से, पता नहीं उसको मजा आ रहा है या फिर वो डरा हुआ है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे पर काफी डर लग रहा है। ये तो इसको अब हमने मुड़वा दिया है, ये हवा की तरफ से ही अप्रो, ये क्या हो गया, ये हवा से ही चलती है। अच्छा, अभी ये रोक दिया है कुछ देर के लिए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओ ये देखो पास से देखो, मतलब उसको उतार लिया है, अब दूसरा कोई बंदा चढ़ेगा उस पे। ये लहरें बहुत ज्यादा हिलोरे मार रही हैं, तो अंदर जितना हम जाएंगे उतनी ज्यादा लहरें एकदम रफ होती जाएंगी, इस वजह से थोड़ा डर लगता है क्योंकि सेफ्टी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमने ये पहना हुआ है लाइफ जैकेट और तैरना तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इतना एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम वापस जा रहे हैं अब। मैं यह करके बॉम्बे से आया। अच्छा, बॉम्बे से 3 दिन लगे इससे
इससे आगे। तो ये जो बैठे हुए हैं, ये जो चला रहे हैं, इनको क्या कैसे चलता है थोड़ा बताओ। हवा पे, ये ऊपर हवा का है, यह तो इंजन है, हवा का इंजन। यहाँ है स्टीयरिंग व्हील। अच्छा, ऐसा अगर बंद करना चाहे तो पावर कम करने का। ओके, पावर कम अभी यहाँ पे रोक दिया। पूरा पूरा देखे कितना स्लो चल रहा है। ओके, नो पावर ना। अगर जाने का है हाँ। तो वापस इसको कीज दो। एक्सेलरेटर जैसे मोटरसाइकिल और कार गाड़ी के एक्सेलरेटर है। हाँ हाँ, यह एक्सेलरेटर है, यह स्टीयरिंग है। ओके, ऐसे करेगा देखो, टर्न कर वापस करेगा तो वहाँ टर्न, लेफ्ट एंड राइट। तो फाइनली काफ़ी अच्छा लगा हमें घूम के, और आप लोग भी यहाँ आके घूम सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो बरसात में तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, लेकिन अब सीज़न चालू हो गए हैं तो एक से एक एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, घूमने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा है। हम वापस आ रहे हैं ना। पानी से बहुत डरती हूँ मैं, कभी भी पानी के अंदर जल्दी नहीं जाती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने आप लोगों की वजह से कि आप लोगों को मुझे दिखाना है वाटर स्पॉट थोड़ा सा, मुझे उस समय काफी डर भी लग रहा था क्योंकि लहरें जो है ना काफी ऊंची ऊंची जब उठती हैं तो मतलब काफी डर लगता है, क्योंकि ऐसी सेफ्टी हम नहीं इसमें मिलती है। सिर्फ एक जाकेट हमें जो लाइफ जाकेट होती है वो पहनाई जाती है, और ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है। मैं ज़्यादा देर अंदर नहीं रुकी, हम लोग ने जल्दी से उसको बैक करवा लिया, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे लहरें और ज़्यादा डेंजर्स आती जाएंगी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था।
तो हमने बोला जल्दी से वापस हो लेते हैं, लेकिन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा अंदर जाके, बहुत मजा आया। तो आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पे ये सीलिंग बोट का सफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमको बहुत एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जो सेल कर रहा था उन्होंने दी, उन्होंने बताया कि पूरी इंडिया में सिर्फ ये इन्हीं के पास है ये सीलिंग बोट, और किसी के पास नहीं है, या तो फिर नेवी के पास है ये और किसी के पास नहीं, इन्हीं के पास है। तो स्पेशल सेलिंग बोट है ये, इन्हीं के पास है, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जो इन्हीं के पास है, और ये डबल वाला इन्होंने कुछ बताया कि जो डबल दो हैं वो हमारे पास ही हैं और किसी के पास नहीं मिलती है। तो ऐसे कुछ ये डिफरेंस है और कुछ यूनिक है। तो ये सफर हमारा अभी यहाँ का सेलिंग बोट का खत्म हुआ और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये सेलिंग बोट का सफर काफी पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा ही लगा, लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आगे चलिए, आगे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, तो चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी इसलिए हम यहाँ आके बैठ गए। इसका कोई चार्ज नहीं है, जो भी ये सीलिंग स्टार है वो यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं उसको यहाँ फ्री में बैठने दिया जाता है। तो पानी तो हमारा आ गया है, तो भैया खाना कितनी देर में आएगा ये भी बता दो, जल्दी से जल्दी हमें खाना ला के दे दीजिए। हमारा वेज मंचूरियन आ चुका है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए। कमेंट करने में क्या जाता है, लाइक करने में क्या जाता है, जरूर किया करिए, कंजूसी नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज हम हैं बागा बीच पे और ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। हमने आपको बीच घुमाया और यहाँ से जुड़ी हुई हमने आपको बहुत सारी जानकारियां भी दी। फिर भी आपको कुछ और जानकारी हासिल करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।